नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजी ऑन गेमिंग में। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं जीटीए वाइस सिटी। तो अगर आपने जीटीए वाइस सिटी का लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आप सभी को तो याद ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम गए हुए थे सोनी की मनी को लेके एक बंदे को देने के लिए, बट वहां पे काफी सारे गैंगस्टर वगैरह आ गए थे। तो हमने जो मनी है वहीं पे छोड़ दी थी, और यानी कि उसकी जो मनी है सोनी की वो चोरी हो गई थी। और उसके बाद हम गए हुए थे कैन के ऑफिस में, और कैन ने हमें बताया था कि हमें कुछ और लोगों से मिलना चाहिए। इसी वजह से हम कर्नल की पार्टी में गए हुए थे जो कि बोट पर थी। वहां पे हमें उसकी जो बेटी है वो भी वहां पे मिल गई थी। उसके बाद हमने कर्नल की बेटी को एक क्लब में जाकर छोड़ दिया था। तो आज से हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं, अभी यहां पे वाइस सिटी में बज रहे हैं सुबह के 9। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं कैन से मिलने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया अभी हम कैन से मिले हुए नहीं है। और वहां पे अभी हमें जो सोनी है उसकी मनी का यहाँ पे पता भी लगाना है। तो यहाँ से रास्ता वगैरह है क्या? एक मिनट, ओके, तो यहाँ से रास्ता तो नहीं है, बट अभी हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो कार है वो यहाँ से निकाल लें। सॉरी अंकल जी, हमने आपको धक्का मार दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। ओके, तो यहाँ से अभी हम आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि काफ़ी सारे दिनों से मैं अपनी जो वीडियो है वो डाल नहीं रहा हूँ चैनल पर, तो आपने वाइस सिटी की जो लास्ट वाला एपिसोड है वो आपने देखा या फिर नहीं देखा? अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको ऊपर आई बटन में जो उसकी लिंक है वो मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे कैन के ऑफिस के सामने आ चुके हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो धूप है वो तो काफी बढ़िया तरीके की निकली हुई है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अपनी जो गाड़ी है उसको यहाँ पे खड़ा करके अभी हम चलते हैं कैन से मिलने के लिए। Well, I hope you're having a good time because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. I got it. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. ओके, तो यहाँ पे इस कैन ने अभी हमें एक बंदे का नाम बताया जिसका नाम है यहाँ पे कैंट पॉल। और वो जो बंदा है वो यहाँ पे अभी मालिबू क्लब में हमें मिलने वाला है। तो अभी हमें सबसे पहले जाना होगा मालिबू क्लब में और फिर उस बंदे के साथ यहाँ पे बात करनी होगी, क्योंकि वही हमें बता सकता है कि जो सोनी के जो पैसे हैं वो अभी हमें कैसे मिलेंगे, या फिर उस दिन वहाँ पे कौन हमारी जो डील है वो ख़राब करने के लिए आया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं राइट टर्न लेके। और यहाँ पर जो मालिबू क्लब है ना वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, आप सभी को तो पता ही होगा। अंदर से वो वाइस सिटी जो नॉर्मल वाइस सिटी था उससे तो ये वाला जो डेफिनेटिव एडिशन है उससे तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी हम चल के एक बार फिर से देख लेते हैं। और जैसा कि यहाँ पर इस ड्राइविंग है क्या हुई, मतलब मैंने काफ़ी सारे दिनों से खेला नहीं ना, इस वजह से मेरी जो ड्राइविंग स्किल भी है ना वो भी पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियोस वगैरह अपलोड करूंगा तो मेरी जो ड्राइविंग स्किल है ना वो भी यहाँ पे अच्छी खासी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अभी हम अपनी जो गाड़ी है उसको उतर जाते हैं और सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे कैंट से मिलने के लिए। Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor around here. Okay, so yeah, but Kent. I'll show you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Wait. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what was coming true was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel on Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. That's right, go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? ऑल राइट, तो यहाँ पे अभी हमें एक शेफ को देखने के लिए जाना है जो कि हमें ओशन ड्राइव पर मिलने वाला है। मेरे हिसाब से ये जो जगह है ना ये शायद से वही जगह है ओशन व्यू होटल के सामने वाली जहाँ से अभी हम आए हुए थे। तो अभी शायद से हम वहीं पर चलकर देख लेते हैं, शायद से जो शेफ है वो अभी हमें वहीं पर मिल सकता है, या फिर शायद से जो नेम है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे। तो अभी हम वहाँ पर चलकर देख लेते हैं आखिर में क्या हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा ही था, अरे भाई गाड़ी भी पलटनी थी इसको, अभी खड़ी हो जा, नहीं अब तो नहीं होने वाली, अब अभी हम ना वेस्टेड ना हो जाए। तो अभी हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा, नहीं तो अभी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता था। ओके, तो अभी हम किसी गाड़ी चुरा, यहाँ पे तो पुलिस वाले भैया बैठे हुए हैं तो यहाँ पे तो हम गाड़ी वगैरह नहीं चुरा सकते किसी की भी। तो अभी हमें थोड़ा सा पैदल चलना होगा, ये वाली गाड़ी इन बंदों से ले लेते हैं। आंटी वगैरह बैठी हैं क्या? ओके, तो यहाँ पर अंकल जी बैठे हैं, आंटी नहीं है।
कि गाड़ी तो हमने चुरा ली, बस स्टार ना लग जाए। ओके, तो स्टार भी नहीं लगा हमारे ऊपर। और यहाँ पे जो जगह है ना काफी ज्यादा पासिंग में है, यहाँ से अभी हमें ले लेना है एक टर्न, और यहाँ से अभी हमें एक और टर्न ले लेना है। और सामने की तरफ ही है ये शेफ, तो अभी हम इसको मार देते हैं, क्या पता ये किसी को बुला ले। ओके, तो यहाँ पर ये शायद से किसी से बात कर रहा था, तो अभी हमें इसका जो सेल फोन है वो अभी यहाँ पर मिल चुका है। ऑल राइट, यहाँ पर ही थक्के से गया, हम भाग भाग के तो नहीं आए हुए थे। ओके, तो यहाँ पे कौन आ गया? Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah. And what's अभी उसकी जो बॉडी वगैरह पड़ी हुई थी वो भी पता नहीं कहाँ पे चली गई। Brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. All right, तो यहाँ पे शायद से उसके दोस्त वगैरह आ गए शेफ के, और शायद से इन लोगों को उस वाले शेफ की जो बॉडी वगैरह है वो मिल गई है। और यहाँ पे इस बंदे ने ना अभी हमें गन दे दिया, तो अभी हम मार देंगे तो नहीं सबको। अभी हम यहाँ से फटाफट से निकल लेते हैं, इससे तेजी भागेंगे हम। ओके, तो अभी कहाँ जाएगा ये? सामने से पीछे की तरफ से मारे गए इन दोनों को। एक मिनट, ये गया, अरे पड़ी नहीं भाई इसको, तो पड़ी इसको भी, अरे स्टार और लग गया हमारे ऊपर, स्टार नहीं लगना चाहिए था। अब तो हमारे पीछे जो पुलिस है वो भी पड़ जाएगी। अभी हमें अपनी जो कार है वो यहाँ से जल्दी भगानी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे हमें ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है। ओके, तो हम सीधा सीधा चल लेते हैं, और शायद से आगे की तरफ हमें कुछ मिल जाएगा। बस ये जो पुलिस वाले हैं ना वो हमें यहाँ ना पकड़ पाए, और शायद से अभी हम गलत रास्ते पर आ गए, तो अभी हमें फिर से पीछे वाले रास्ते पर ना जाके अभी हम आगे से चल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं। अरे यार, ये गाड़ी है क्या है, इसकी ड्राइविंग तो देखो कितनी खतरनाक है। ऑल राइट, तो यहाँ से अभी हम ले लेते हैं एक लेफ्ट टर्न। और एम्यूनेशन की जो शॉप है, पता नहीं अभी हमें क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि इसने हमें जो गन है वो तो ऑलरेडी दे दी थी, तो अभी तो यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, अभी हम तो पीछे से चलना पड़ेगा अभी हमें। अरे ये जो गाड़ी वाले भी ना, ये कहीं से भी घुसा देते हैं। यहाँ से रास्ता है क्या? ओके, तो यहाँ से रास्ता है सामने की तरफ, और यहाँ से एक और टर्न ले लेते हैं। एम्यूनेशन की दुकान भी कहाँ कहाँ घुसा के रखते हैं यार, ये नहीं कि थोड़ा पास ही में रख दें, मतलब किसी होटल वोटल के सामने। अभी इतनी सारी गलियों के अंदर इसकी जो एम्यूनेशन की शॉप है, इसको भी अभी यहीं पर मरना था। और अभी हमें एम्यूनेशन की शॉप का कुछ पता नहीं चल रहा, जाना क्यों है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गन है ना। ऑलराइट, तो सामने की तरफ जो एम्यूनेशन की शॉप है वो आ चुकी है, और यहाँ पे, अरे भाई रुक जा, गाड़ी है क्या है, इससे बढ़िया तो मैं हेलीकॉप्टर ले आता यार, गाड़ी रुकी नहीं रही। ऑलराइट, तो यहाँ से अभी हम कुछ वेपन्स वगैरह परचेस करने हैं, या फिर ये हमें शॉप दिखाने लेके आया हुआ था शायद से, ये ना अभी हमें ये जो शॉप है वो दिखाने के लिए लेके आया हुआ था, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी गन है, तो यहाँ पे हमने जो शॉप है वो तो देख ली। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक आर्मर वगैरह या SMG वगैरह, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। असॉल्ट राइफल्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी, जैसा कि अभी आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमें यहाँ पे दिखाने के लिए लेके आया हुआ था। अभी हमें यहाँ पर अपने जो होटल है वहाँ पे फिर से जाना है, शायद से ये हमारे साथ होटल चलने वाला है क्या, अभी पता नहीं है, कुछ भी देख चल के देखना पड़ेगा, या फिर शायद से ये अपनी जो गाड़ी है वो लेके यहाँ पे निकल लेगा। अभी तो वो जाने के बाद ही पता चलेगा। जो होटल ओशन भी होटल है वो यहाँ से थोड़ी दूरी लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. ओके, तो इस बंदे को यहाँ पे हमारा नाम कैसे पता चल गया कि हमारा नाम टॉमी है? तो यहाँ पर ये जो मिशन है ब्लैक एले ब्रॉल, ये यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैं और यहाँ पे वो जो बंदा था वो भी अपनी कार लेके पता नहीं कहाँ पर चला गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो GTA Vice City का एपिसोड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो का जो लाइक्स का टारगेट है वो हम रखते हैं 100 likes का, तो मेरे हिसाब से आप 100 likes तो बड़ी ही आसानी से करा देंगे। और मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे किसी GTA Vice City के एपिसोड के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।